इस विश्वकर्मा की पूजा की तैयारी होने लगी है। पतिदेव चमका रहे हैं गाड़ी और ये अपनी साइकिल भी ला गया। मैं भी दूंगा कह रहा है। चल दिया शाम को करेंगे, तो अभी धो के रख दे रहे हैं, चमका चमकू दे रहे हैं। तो ये गुड मॉर्निंग टू ऑल, बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल फाड़ी प्रिया जी मेवाल ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो, उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से। तो बाहर मौसम बारिश आ रही, छींटे आ रहे हैं, तो आज संक्रांति है बोल रहे हैं, तो बारिश आएगी। कल तो नहीं हुई थी फिलहाल, तो आज हो रही बारिश। और आज घर में सुनसानी हो रखी है, उसकी वजह है। तो आज मम्मी पापा लोग चले गए देहरादून, क्योंकि इसलिए गए क्योंकि पूजा की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रखी थी ना, ख़राब हो रही है, तो वहाँ चले गए मम्मी पापा लोग। चाचा और इसके पापा पहुँचाने गए हैं झनकट, तो अभी तक आए नहीं है। तो एक बार तो नहीं जाने वाले थे, मंजू दी लोगों के वहाँ है पूजा वैसे, तो फिर क्या बोलते हैं चले गए, देख के अपने आप देख के आएंगे। तो अब देखो क्या होता है, वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो ये ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ठीक हुई है, डेंगू हो रखा है थोड़ा। तो मंजू दी लोगों के घर में है पूजा, तो मम्मी जाते जाते घर की फिर तो जा रखे मम्मी पापा दोनों, अभी जा ही रखे हैं। तो 7:30 बजे तक चले गए थे, तो बच्चे गए हैं आज संडे, बच्चे गए हैं वहाँ गौरव लोगों के यहाँ, दोनों जने दूध दूध पी के अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मैंने सोचा आज खट्टी माँ जाऊँगी, तो वैष्णवी का बर्थडे आ रहा है ना 21 सितंबर को, तो थोड़ा उसके लिए कपड़े पड़े लाऊंगी। तो बाहर हो रही है बारिश, तो ऐसे में तो जाने का जैसा है नहीं। और आज घास भी नहीं काटते हैं, जैसे कल बताया था मैंने, गए तैयार, तो कल शाम को काटते हैं घास, तो अभी सुबह नहीं काटते हैं और शाम को काट सकते हैं। आज सुबह नहीं काटेंगे तो आज शाम को काट सकते हैं घास। तो आज बारिश है, वैसे भी काम आपसे हो गया बाहर का, मेरे को लगाना है झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाना है, तो अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ। तो घर में ना सुनसानी अजीब लगता है, तो फिर अजीब लगता है, तो मैंने एक बार चाय पीती हूँ, मैं पहले चाय तो पी दी, अब दोबारा चाय पीती हूँ। फिर मैं ना करता क्या पता इसके पापा आ जाएंगे अकेले, वो हो गई बच्चों को बुलाते हुए, तो ठीक है देखो कैसा होता है, तो आप लोगों को बताऊँगी। मैं पतिदेव छोड़ के मिल गई थी बस, तो चाय पी रहे हैं। तौलिया से मुंह पोछ फिर बाबू, तौलिया से मुंह पोछ। क्या क्या आने वाला है, मैंने लिख रखा है इसके। तो बच्चे भी आ गए उनके यहाँ से, तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बिना आ जाओ बुलाया। बाहर छींटे छींटे आ रहे हैं बारिश के छींटे छींटे। अब मैं रोटी डालती हूँ, 9 बजने वाला है, चाचा भी आएंगे दुकान पर जाएंगे। रफ नोटबुक कहाँ है, कल वाली रफ नोटबुक कहाँ है आपकी, जिसमें मैंने दिया था कल। तो नाना धोना हो गया है और काम भी कर दिया, भैंसों को पानी दे दिया, तो अब बनाना है भात, भात बनाने की तैयारी। तो अभी 12:30 बजे भी बनाऊंगी, और बाहर मौसम हो रहा है, बारिश रुक गई अभी, तो जाने वाली थी वहाँ फिर वहाँ, तो ये मौसम की वजह से नहीं गई। मैंने कहा बारिश आ रही होगी रहने दो, कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके वहाँ खटीमा, उसकी वजह से नहीं गई और बारिश भी नहीं आई, रुक गई है। तो कोई बात नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया वैष्णो के लिए ड्रेस, तो मम्मी ऑनलाइन ऑर्डर कर दो कह रही थी, मैंने चल ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा दी है इसके लिए, पर वो बर्थडे के बाद आ रही है, तो अगर पहले मंगाई नहीं तो वो बर्थडे के बाद आ रही है, कोई बात नहीं। तो अब बनाती हूँ खाना, मम्मी पापा का भी फ़ोन आया था हरिद्वार वाली बस में लिए, क्योंकि लेट हो गए थे ना घर से भी, तो अब देखो शाम तक कब तक पहुंचते हैं, तो फ़ोन कर देंगे। और ये देख रहे हैं कार्टून बच्चे लोग, मैं बनाती हूँ खाना, और इसके पापा गए हैं ट्रैक्टर लेने, क्योंकि ट्रैक्टर भट्टे में था ना, तो बारिश आई तो काम बंद हो गया था, तो हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो ये जो सामान वामान कोई भी, मतलब गाड़ी वगैरह बाइक किसी की भी, जो अपने घर में गाड़ी आई थी उसकी पूजा करते हैं आज, तो हमें पता नहीं था, बाद में पता चला खाना वाना खा दिया था उन्होंने, तो अब शाम को करूँगा घर में ना, चलो ठीक है। तो हर साल करते थे, तो इस बार पता नहीं था, तो अब शाम को करूँगा घर में ना, चलो ठीक है। तो अब लेके आ रहे हैं अभी, तो मैं खाना आने की तैयारी करती हूँ।
आप लोगों से बात गाइस, विश्वकर्मा की पूजा की तैयारी होने लगी है। पतिदेव चमका रहे हैं गाड़ी और ये ट्रैक्टर लेके आए थे, तो अभी पहले धो रहे हैं गाड़ी को और स्कूटी को, फिर धोएंगे ट्रैक्टर को। तो किसी ने तो सुबह ही कर दी पूजा, तो हमें पता नहीं था ना, तो थोड़ी देर में पता चला, तो हम अभी करेंगे, मतलब शाम को करोगे ना, शाम को करेंगे। तो अभी धो के रख दे रहे हैं, चमका चमकू दे रहे हैं। तो ये होती है जैसे, अब हमारे तो कमाई का जरिया यही है ना, ट्रैक्टर वैक्टर, तो इसी से कमाई होती है। तो इसको मतलब धो धा के चमका चमक के पूजा वूजा करेंगे इसको, लोहे, हाँ लोहे वाले यंत्रों की, जो लोहे वाले होते हैं जैसे गाड़ी, अस्त्र शस्त्र, वो भी जैसे जैसे दुकान भी होती है ना, जैसे जिसकी उसकी भी हो सकती है। हाँ बंदूक बंदूक, हाँ सब गोला बारूद, गोला बारूद, फौज में भी तोप वोप की भी करते हैं। अच्छा, तो पतिदेव को सब पता है, तो आपको बारे में बता देते हैं, विश्वकर्मा की पूजा के बारे में बता देते हैं। फैक्ट्री वाले अपनी कंपनी की करते हैं। अच्छा, मशीनें जो लगी रहती है लोहे की, उनकी करते हैं। पहले पैंट खोल क्या, पैंट खोल के आप कपड़े बिक जाएंगे ना। तो मयंक कह रहा है, मयंक कह रहा है मैं पापा की हेल्प करूंगा, अच्छी बात है। नहीं कोई बात नहीं, कर फिर ले आएगा। तो मयंक भी हेल्प कर रहा है पापा की अपनी, और भैया भी आए हैं साथ देते हुए। तो अभी इनकी करेंगे, तो अरे इनकी करेंगे अभी। तो अब अंदर गोदाम से अपनी साइकिल लेके आ, अपनी साइकिल भी ला गया। मैं भी दूंगा कह रहा है। तो अब मयंक अपनी साइकिल चमकाएगा, फिर इसकी पूजा करेगा। कर है मयंक, पानी मार दूंगा एक एक कप का। तो वो टैंकर में भरा है पानी, तो उस इसकी ये पाइप की सहायता से धो रहे हैं, क्योंकि इससे फटाफट हो जाएगा ना, जो मिट्टी अंदर अंदर मतलब अंदर घुसी रहती है तो वो सब निकल जाती है। देखो इतना तेज की स्प्रे आता है इससे, तो ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती है। ये मयंक धोते हुए कपड़ा धो, अब कपड़ा चमका दी, एक ही कपड़े से धो। तो इसके पापा धो रहे हैं गाड़ी, जैसे कि बता दिया विश्वकर्मा के बारे में। तो जैसे आज अपने अपने जैसे लोहे की मतलब कुछ भी चीज़ हो, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री सब अपने उसकी पूजा करते हैं। वो ही हुआ जहाँ से चीज़ का मतलब वो रोज़गार होने वाला हुआ। अब तो हमारे तो ट्रैक्टर ही हुए ना, ट्रैक्टर ही चलते हैं। तो वैसे ऐसा भी नहीं है, मतलब गाड़ी आड़ी कुछ भी हो तो घर में लोहा हुआ उसकी पूजा करते हैं। वैसे आज विश्वकर्मा होता है, तो विश्वकर्मा देवता हुए जैसे, तो वही मतलब नहीं गाड़ी जो भी कुछ भी हो, बाइक गाड़ी, ये नहीं कि वही मतलब गाड़ी बहानी हो उसकी करते हैं। लोहा मतलब कुछ घर किसी की भी कुछ भी मतलब किसी चीज़ की भी कर सकते हैं, वो पूजा होती है आज के दिन, तो सब लोग करते हैं, हर साल से करते हैं हम। इसके बाबा तो करते हैं, इस बार पता नहीं था ना, तो उसकी वजह से अभी धो दे रहे हैं। अब शाम को करेंगे, शाम को भी होती है, ऐसा कुछ नहीं कि सुबह ही होती है, शाम को भी होती है। तो पूजा तो आप पूरे दिन ही होती है जब भी करो, तो अभी धो धा के रख दे रहे हैं। और मयंक भी धो के आ गया अपनी साइकिल, तो सुबह बाद धो रहे हैं। और मेरे भैया भी आके मदद कर लेना थोड़ा, तो थोड़ा मदद करने आ रखे हैं, तो दोनों जने मिल के धो रहे हैं। मैं बनाती हूँ भात और चल दिया। मेरे मुझे भी फेमस कर प्यारे से छोटे से देवर ना, ना बड़ी मम्मी पास ये देखो ना, अब नहीं वो उसी के अब पास नहीं था, ये देखो पहला मन उनके पास। दोनों भाभी देवर गोरे गोरे थोड़ा थोड़ा है बोला गोरे, क्या कर रही है भाभी, बस भाभी इतना भी वो मत कर, बस बोले गोरे, मेरा भी गोरा ही है, बोल बस मैं बोले गोरे थे है, तेरा गोरा है, काम कर, मेरे काम कर, गोरे गोरे है, मजा आ जा अम्मा करो अम्मा।
गया है, तो पक्का ही हो गया था। मतलब घास आज के पापा ने दल दिया था, तो घास आज के पापा ने दल दिया था, तो मैंने चार बाद गोबर वोबर खाया था। तो अभी आज बन रहा है चिकन, तो चाचा घर की चिकन बनाएंगे क्योंकि, तो उसके पापा दाल दिल के मतलब चले गए हैं। आज बिना तेल वाला बना रहे हैं, खाली मतलब पानी में वाला, मतलब सब एक साथ डाल दिया, प्याज मिर्ची और खाली टमाटर छोड़ के। टमाटर थोड़े तो पकने लग जाएंगे ना, मीट पकने लग जाएगा, फिर डालूंगी टमाटर। तो और बच्चे गए हैं, ये इनके आदि लोग क्या, वहाँ उनकी पार्टी चल रही है, पता नहीं उनके ताऊ क्या ला रखे, बोला कोल्ड ड्रिंक लाए, बर्गर पार्टी चले गए, तो दोनों वहाँ चले गए। हम वहाँ जा रहे थे, तो मैं ना जल्दी आना, पढ़ाई करूँगी, तो वहाँ चले गए। और फिर मैं देखूँगी टीवी नाटक, तो ठीक है आज लोग को यहीं पे एंड किया जाए। हाँ, और आप लोगों को बताना, पापा मम्मी लोग पहुँचे नहीं अभी, अभी फ़ोन किया था मैंने जस्ट, तो बोल रहे हैं स्टेशन में, मतलब वहाँ पहुँच गए स्टेशन में, तो अभी आ रही मंजू दी आ रही लेने, तो मतलब कमरे में पहुँच के फ़ोन करूँगा कह रहे थे पापा, तो कमरे में पहुँच के फ़ोन करेंगे। और तो ठीक है आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना जो ब्लॉग में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बटन दबाना ना भूलना। मैं जल्दी मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक लाइक बाय, और अभी तो गुड नाइट न्यू ईयर, बाय।